दोस्तों पार्ट 4 में आपने देखा था कि कुछ लड़कियों ने जानबूझकर स्कारलेट की मशीन तोड़ दी। स्कारलेट बहुत घबरा जाती है और दौड़ के वो मशीन के पास जाती है और मशीन को चेक करती है, लेकिन मशीन बुरी तरह टूट चुका होता है। स्कारलेट मशीन को उठाती है और वहाँ पर जो एग्जामिनर थी उनसे बात करती है, लेकिन एग्जामिनर कहती है कि यहाँ का रूल्स है कि अगर कोई मशीन टूट जाता है तो तुम्हें दूसरा नहीं मिल सकता। वहाँ पर दूसरी लड़कियां बोल रही थी कि इनकी ही गलती है क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। स्कारलेट अपने पार्टनर से बात करती है और बोलती है कि अब आगे क्या करेंगे। तब उसका पार्टनर बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझे एक सुई दो। स्कारलेट फिर सोचने लगती है कि आखिर ये करेगी कैसे। फिर भी वो उसको एक सुई दे देती है और वो सुई लेकर ऐसा कारनामा करती है कि स्कारलेट देखकर दंग रह जाती है। उसके पार्टनर मशीन से भी तेज सिलाई करने लगे। सबने ड्रेस बना लिया था लेकिन स्कारलेट का ड्रेस ही सबसे ओरिजिनल था और उनको सिलेक्ट कर लिया गया। स्कारलेट ने जब ये सुना तो दोनों पार्टनर बहुत ही खुश हो गए। अब सेकंड राउंड की बारी थी और शहर का सबसे अमीर आदमी वहीं पे बैठा था। सेकंड राउंड का इंटरव्यू शुरू होता है और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा होता, लेकिन स्कारलेट ने कुछ ऐसा आंसर दिया कि